आइनोवा हॉस्पिटल से, स्टेडियम रोड बरेली से, मैं डॉक्टर कपिल अग्रवाल आज आपसे कुछ मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं आजकल हम लोग जिस विधि से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, जो फेको विधि है, माइक्रो इंसीजन कैटरेक्ट सर्जरी से हम लोग जिस ऑपरेशन करते हैं, इसमें गर्मियों और बारिश में ऑपरेशन कराने में किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग जो ऑपरेशन आजकल करते हैं उसमें किसी भी तरह की भर्ती की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरह के परहेज की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरह के चीरे की ज़रूरत जो होता है वो बहुत इतना छोटा होता है कि हमें कोई टांका लगाने की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी तरह का पट्टी नहीं होती। हम अगले दिन से नहा सकते हैं और अगले दिन से हम सारा काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब गर्मियों और बारिश में भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन बेहद सुरक्षित हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम लोग पहले ऑपरेशन करते थे, तो हम जब पहले ऑपरेशन करते थे तो हम आँख में एक बड़ा सा चीरा लगाते थे और हम ये जो मोतियाबिंद है इस हम मोतियाबिंद को पूरा निकालते थे। तो जब मोतियाबिंद को अगर हमें पूरा निकालना होता था तो मोतियाबिंद काफ़ी बड़ा होता है, 10 मिलीमीटर का मोतियाबिंद होता है। तो जब हमें निकालना पड़ता था पूरा बाहर, तो हम उसमें 10 मिलीमीटर का चीरा आँख के अंदर लगाते थे और फिर हम उसको जब चीरे को बंद करते थे तो हम उसमें टांके लगाने पड़ते थे। ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर विधि होती थी और चीरा लगा बड़ा होने की वजह से हमें उसमें टांके लगाने पड़ते थे, और जब टांके लगाने पड़ते थे तो हमें उसके लिए फिर वो परहेज करने की भी ज़रूरत पड़ती थी। हम 15 दिन तक हम परहेज बताते थे कि हमें नहाना नहीं है और हमें आराम से रहना है, काम नहीं कर सकते, और टांके होते थे तो वो गर्मियों सर्दियों में थोड़ा सा परेशानी बनते थे। लेकिन अब हम आजकल जब ये फेको विधि से ऑपरेशन करते हैं, तो फेको विधि में हम ऑपरेशन का जो चीरा लगाते हैं आँख के अंदर वो सिर्फ 2 mm का होता है, 2 mm का चीरा होता है, जिसकी वजह से जब हम ऑपरेशन करते हैं और हम फेको विधि में मोतियाबिंद को अंदर ही अंदर छोटा छोटा काट करके और हम टुकड़ों में करके उसको मशीन से निकाल देते हैं, और फिर हम उसके अंदर एक फोल्डेबल लेंस लगाते हैं, जो फोल्डेबल लेंस आँख के अंदर चला जाता है और 2 mm से ही पूरा ऑपरेशन हो जाता है। जब 2 mm से ऑपरेशन होता है तो हमें उस चीरे को बंद करने के लिए ना कोई टांका लगाने की ज़रूरत होती है, ना कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत होती है, ना कोई पट्टी करने की ज़रूरत होती है, और वो चीरा एक दिन के अंदर ही भर जाता है, जिसकी वजह से हमें अगले दिन कोई परहेज भी नहीं करना होता है। तो इसकी वजह से, इस विधि की वजह से आजकल अगर हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन गर्मियों में या बारिश के मौसम में भी कराते हैं तो वो बेहद सुरक्षित है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब हमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए जाड़े का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले ये समझा जाता था कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन सिर्फ जाड़ों में ही कराया जाता है और जाड़ों में ही सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी परहेज करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन चूंकि अब हमें कोई टांका नहीं लगाना, कोई हमें पट्टी नहीं करनी, कोई हमें परहेज नहीं करना, हम अगले दिन से नहा सकते हैं, इसलिए अब गर्मियों और बारिश में भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है।